गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, साइंस चैप्टर नंबर 6, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर ना। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल फूड। एनिमल फूड पढ़ा था ना सबने, कि एनिमल कौन कौन से फूड खाते हैं, ठीक है। देन वी स्टार्ट होम्स ऑफ एनिमल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट होम्स ऑफ एनिमल। लाइक अस, एनिमल ऑल्सो नीड अ होम और अ शेल्टर। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम और शेल्टर। आयशा, तुम्हारा कैमरा उल्टा है। अ फॉरेस्ट इज अ होम टू मैनी एनिमल। जो फॉरेस्ट है वो होम है कई एनिमल्स का। एनिमल लाइक जिराफ, डियर, एलिफेंट लिव एंड मूव अबाउट द ओपन फॉरेस्ट। ये लोग कहाँ पे घूमते हैं? ओपन फॉरेस्ट में। दे आर वाइल्ड एनिमल, दे कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक स्क्वेरल एंड आउल्स लिव इन द हॉलो ऑफ अ ट्री। ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ट्री के हॉलो में। बैट्स, टाइगर, लायन, बियर लिव्स इन केव। जो बैट्स होती हैं और टाइगर हैं और बियर हैं, ये सब कहाँ पे रहते हैं? ये सब देखिए केव में रहते हैं। नीचे देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है ना। सम एनिमल्स बिल्ड अ होम टू लिव इन। सम एनिमल्स बिल्ड अ होम टू लिव इन, वो अपने लिए खुद बनाते हैं। अ रैबिट डिग्स अ होल इन द ग्राउंड कॉल्ड अ बरो। जो रैबिट होता है वो क्या करता है? वो होल करता है, डिग अ होल इन अ ग्राउंड, ग्राउंड में होल करता है। इट्स होम इज कॉल्ड बरो। बर्ड लाइक अ टेलर बर्ड मेक अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। सेम लाइक बर्ड, कौन सी बर्ड? टेलर बर्ड। मेक अ नेस्ट, कौन क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है हैंगिंग, जो टंगा रहता है। फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, ट्री की ब्रांच में। यूजिंग क्या क्या यूज करती है? स्ट्रॉ, ट्विग्स, लीव्स एंड कॉटन। पेड़ पत्तियां और जो लीव्स वगैरह रहती हैं, डंडी, घास फूस एंड कॉटन, कॉटन से। हनी बी मेक अ बी हीव एंड स्पाइडर वेब्स अ वेब। जो हनी बी होती है, हनी बी मेक्स अ बीहीव, वो एक छत्ता बनाती है, उसको बीहीव कहते हैं। ये देखिए ये पिक्चर बनी है उसकी, हनी बी की, हाँ। एंड स्पाइडर, जो स्पाइडर होता है वो वेब, वेब्स अ वेब फॉर लिविंग। जस्ट लाइक सी दिस रैबिट मेक अ होल इन द ग्राउंड एंड बर्ड मेक नेस्ट टू लिव इन। ओके, वी मेक होम फ्रॉम फॉर एनिमल्स, वी कीप विथ अस। दीज एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, डॉग, हैन, शीप लिव इन होम्स वी बिल्ड फॉर देम। वी कैप्ट सम एनिमल्स ना, सो वी बिल्ड हाउस फॉर देम। जस्ट लाइक काउ, हॉर्स, डॉग, हैन एंड शिप लिव इन होम वी बिल्ड फॉर देम। सी द होम ऑफ काउ, वी कॉल्ड इट शेड। हैन लिव्स इन कूप, शिप लिव्स इन पैन, हॉर्स इन स्टेबल, डॉग इन केनल। दीज ऑल आर द होम्स ऑफ द एनिमल। नाउ डोमेस्टिक एनिमल। Who are domestic animals? Animals who are taken care by man. We kept them. Okay. Burrow, hole dug in the ground by rabbits to live in. Shed, a shelter for cows to stay. Coop, home for hens. Kennel, a dog house. Stable, a shelter for horse to stay. What
we learn in this chapter animal need food for to live. That is clear. Like us, animal also need food to live. Some animals eat plants only. Okay, some animal eat plants, some animal eat flesh, and other animals, some eat both plants and animals. Okay, some animal eat insect, some fruits, nuts and seeds. Some animals build their homes. Okay, other find a place to live in. Domestic animal live in homes built by man. क्या हुआ? एनिमल को फूड चाहिए. एनिमल क्या क्या खाता है? सम एनिमल ईट प्लांट, सम एनिमल ईट फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स, सम एनिमल ईट बोथ. ओके, दैट इज क्लियर. एनिमल नीड फूड. नाउ सम एनिमल ईट इंसेक्ट, सम फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स. सम एनिमल बिल्ड देयर होम. सम एनिमल, that is clear, like bird, like snake, like rabbit, they build their own homes. Okay, other find a place to live in. Domestic animal live in home. Domestic animals also live in home built by man. Look at the exercise, fill in the blanks with the correct word. A rabbit lives in a burrow, not den. Den is a house of lion. Okay, a squirrel eats rats or nuts? No, cat eat rat, but squirrel eat nuts. A cow lives in shed or coop? Cow lives in shed. In coop, hen lives. A lion eats nuts and seeds or other animal? No, lion is a carnivorous, he eats another animals, nut and seeds, eat squirrel. A dog is a dash animal, domestic animal, not wild animal. Okay, write T for true and F for false. Bird makes nest in tree, it is true? No. Yes. Hen lives in shed. It false. Hen lives in coop. Cow lives in shed. A bear lives in cave. True. A giraffe eats only plants. True. A rabbit build nest. False. A rabbit dug a hole in the ground. Bird build nest. Okay, give one word. Animal living in forest, wild animal, animal take care by man, domestic animals, home of a spider, web, a place where horse stays stable, home that bees make hive. Okay, bee hive. Write this question, do this all exercise in your book. And do this all exercise, this question answer in your copy. This is your copy work. Put the date at the end of, at starting. Write the name of the chapter, chapter number. Then do this exercise, this question answer in your copy. Okay. And do this exercise in your book. Okay, our chapter number 6 has been completed. Good day, children.